हो गए तैयार? तो अब पहनो आप पे। तो भैया आप सुबह के बज गए हैं 8 और आज अथर्व हो गया है तैयार अपने आप, क्योंकि अथर्व को जाना है, कहाँ जाना है? टूर्नामेंट में जाना है अथर्व को। तो अथर्व अपने आप नहा लिया, अब अपने आप तैयार हो रहा है और मैंने बना लिया अथर्व के लिए लंच। तो ये मैंने इसके लिए मखाना रेडी कर दिया, ये थोड़ा सा सेविया बना दिया मैंने इसके लिए, पानी रेडी है, सब कुछ रेडी है। मैंने इसको ना खुला छोड़ दिया ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए, फिर उसके बाद मैं बंद करूंगी जब तक अथर्व रेडी होगा। मेरे को नहीं, हाँ? नहीं पसंद ये? ये पसंद है, टेस्टी है, ये खाना होगा आपको। क्या लगाओगे? परफ्यूम और डियो सब कुछ लगा लोगे? तो ये देखो अथर्व लगाएगा अब थोड़ा सा ऑयल और करेगा फिर स्पाइक्स। ओह माय गॉड, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, क्या बात है अथर्व, क्या बात है अथर्व। तो भाई ये स्पोर्ट्समैन हो गया तैयार। छोटा स्पोर्ट्समैन है, कितने बजे तक आएगा पूछ के आना? 2 बजे। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो होप आप लोग सब ठीक हो, अच्छे हो, सब अच्छा है, सब स्वस्थ हो, मस्त हो। तो आज एक नई दिन की शुरुआत। और आज सुबह ऐसे हुआ कि सुबह सुबह उठ के अथर्व को होना पड़ा तैयार, नहा धो के, क्योंकि जबकि आज छुट्टी थी उसकी, पर आज वो रेस्ट नहीं कर पाया, उसको आज जाना था टी टूर्नामेंट में। और ये हुआ कि उसका जो टूर्नामेंट है ना वो गुड़गांव में है, तो हमें मतलब रात को ये टेंशन था कि कौन जाएगा लेके उसको, और उसको जाना ही था। सो फाइनली उसके टीटी सर ने बोला है कि कोई नहीं अथर्व को आप लोग है ना 8:30 तक मेरे पास ड्रॉप कर देना, मेरे साथ और भी कुछ बच्चे जा रहे हैं तो मैं अथर्व को भी अपने साथ ही ले जाऊंगा। सो विच इज़ गुड, क्योंकि हम अगर जाते तो हमें अथर्व के साथ दोपहर तक बैठना पड़ता, उसमें काफ़ी टाइम लग जाती है क्योंकि मैच एक के बाद एक मैच होता है। देन पहले एक राउंड में जीत गए तो दूसरा राउंड, फिर दूसरे राउंड में जीत गए तो फाइनल राउंड, ऐसे करके बैठना होता है, तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। तो अच्छा हुआ कि उसके सर ने ये ऑप्शन दे दिया हमें कि वो साथ ही ले जाएंगे, साथ ही ले आएंगे, विच इज़ गुड। तो अब लविश उठ गया है और लविश गया है अथर्व को ड्रॉप करने के लिए उसके सर के पास। और मैंने भी सुबह है ना थोड़े थोड़े से काम निपटा लिए थे, अब है काफ़ी सारा काम क्योंकि ये छुट्टी के दिन होता है ना, तो बहुत सारा काम होता है, मतलब पूरे वीक का काम होता है यार। तो अब मैं करूँगी सारा काम निपटाऊँगी, कपड़े बहुत सारे हैं धोने के लिए, मतलब बाहर भी देखोगे आप बहुत कपड़े सूख रहे हैं मेरे, और कुछ और कपड़े धोने भी हैं मुझे, क्योंकि बीच में ना एक आध दिन मेरा वॉशिंग मशीन थोड़ा सा मेल फंक्शन कर रहा था, तो जिसके वजह से मुझे IFB वालों को बुलाना पड़ा और फिर उन्होंने फिक्स किया, तो उस वजह से थोड़े से कपड़े कलेक्ट हो गए। और आज मैंने मतलब थोड़े थोड़े से करके वॉश कर लिया, तो आज फाइनली लास्ट वॉश करूँगी मैं, जिसमें से मतलब फिर रेगुलर रूटीन में आ जाएगा, थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। तो चलो अब निपटाते हैं सारा काम, अथर्व आई थिंक दोपहर तक ही आएगा। और अच्छी एक और चीज़ है कि आज हमारे घर पे आएगा जैस, क्योंकि बहुत दिन हो गया भैया भाभी नहीं आए थे हमारे घर, तो इसलिए मैंने कल उनको बोला कि यार इस वाले वीकेंड पे आ जाओ, तो वो आ जाएंगे, प्लान है, होपफुली वो आएंगे। तो अब थोड़ी देर में उनको कॉल करती हूँ, क्योंकि अभी तो सो रहे होंगे, सुबह सुबह फ़ोन नहीं किया मैंने, तो अब थोड़ी देर में फ़ोन करती हूँ और फिर मैं पूछती हूँ कि भाई कब तक आओगे आप लोग, क्या है, कैसा प्लान है, और उससे पहले निपटा लेती हूँ सारा काम, तब तक अथर्व भी आ जाएगा और दीदी भी आ जाएगी, ब्रेकफास्ट बना लेगी। तो चलो पहले निपटाती हूँ मैं अपना सारा काम और फिर मिलती हूँ आप लोगों के साथ। ये देखो गाइस, मेरे बालकनी में पूरे कपड़े ही कपड़े हैं, देखो मतलब सब ऐसे कपड़े हो रखे हैं यहाँ पे, और भी मुझे धोना है। और ये है मेरे नन्हे मुन्ने से पौधे, जो थोड़े से है ना ख़राब से हो रहे, क्योंकि धूप है, गर्मी है अभी, तो थोड़े से ख़राब से हो रहे हैं। ये मेरा सबसे फेवरेट है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला। और ये मेरा मनी प्लांट है जो ख़राब हो गया था, पर अब है ना धीरे धीरे से थोड़ा सा उग रहा है, सो लेट्स सी होपफुली उग जाए अच्छे से। हाँ
और ये एलोवेरा है ना, इसको मैंने धूप के साइड रखा था तो ये बिल्कुल येलो हो गया था, अब मैंने जगह चेंज कर लिया, शेड में लेके आई तो ये वापस से ग्रीन हो गया। तो चलो भाई करते हैं बाग की सारा काम। आइए आइए अथर भैया आइए। तो ये आ गया हमारा अथर। क्या हो गया? थक गया। थक गए? सीधे थक गए। ओ कैसा रहा? अच्छा। कैसे रहा मैच? अच्छा। आप जीते थे या फिर क्या हुआ? जीत जाते क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गए। कुछ खाओगे? खाया था आपने? टिफिन खाया था? फिनिश किया था सारा? चलो आप पहले हैंड वॉश वगैरह करो, फिर मम्मा मैंगो शेक पिला देगी आपको। अथर पहले हैंड वॉश तो करो जाके, इतनी भूख लगी है क्या? जाओ हैंड वॉश करके आओ, पहले जाओ। वन सिप ले लिया ना, जैस आएगा शाम को। ये इतने सारे चिप्स आपके बैग से कैसे निकल रहे हैं अथर? अभी लेके आए हो क्या? दो पापा के, दो मेरे। दो पापा के, दो मेरे और मेरे। बस फाइनली अथर ने कर लिया है अपना लंच फिनिश, क्योंकि जनरली ये ना लंच फिनिश करता नहीं है, तो आई एम हैप्पी कि अथर ने किया अपना लंच फिनिश। तो ये भी सिर्फ वही थोड़ी ने खाई है, मैंने नहीं खाया। पनिशमेंट हम घर जाके बात करेंगे। पनिशमेंट नहीं, न्यू लेके देगा। हम घर जाके में है क्या? कोई बात नहीं जस, बुआ नहीं उला देगी। ठीक है जस, एक बार सॉरी बोल दो बस। आप क्यों नहीं उलाओगे? वो नहीं रहेगा। अरे नहीं, वो गलत टूट गया ना, कोई बात नहीं। थोड़ा यूज को पहले सोचते चाहिए था ना। आप भी तोड़ते हो अतब भैया। अतब भैया आप भी तोड़ते हो बहुत बार। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है अथर भैया। दूसरों के घर जाते तो पैसे। अच्छा रुको अथर भैया, आपने भी उसको टर्न नहीं दिया था। ठीक है आपने भी उसको अच्छा दोनों का सेटलमेंट होना है। अच्छा भैया आप उसको टर्न तो दो एक बार। अथर आप उसको टर्न दो। ये कभी भी नहीं मिलेगा, ये कभी भी। अच्छा ये सारा खोल किसने दिया? आपका बैग भी नहीं खुला। हाँ नहीं, एक तो खुला था ना, बाकी ठीक है। कौन ज्यादा क्यूट लग रहा है चश्मे में? बाबू राय का स्टाइल है। एक ये क्या लैंग्वेज है अथर, कहाँ से सीखा है ये? बाबू राय का स्टाइलर है। बाबू राव है ना स्टाइलर। चलो अच्छा ये हटा तो दो, किसी के पैरों में लग जाएगा भागते भागते। अथर पिक इट अप, मैं आपको डांस करके दिखाऊं? हाँ दिखाओ जैस, देखो अथर भैया डांस करेगा, देखना। हाँ गाना लगा दो कोई। ये अथर भैया का आराम से वही ये लग जाए। देखो बिना स्लीपर्स के आ गया अथर भैया, चड्डी बनियान में आ गया अथर। अथर ध्यान से यार, कुछ छुप जाएगा पैरों में। तो भाई हमारा जैस जा रहा है घर। वही क्या हुआ अंदर वो भी? अच्छा बाय बाय, थोड़े बुआ आएगी आपके पास स्टे करने। ओके बाय। निकल जाएगा ना बाहर। चलो बाय, मिलते हैं जल्दी ही। तो चलो गाइस, हाँ
तो चलो गाइज, भैया लोग तो चले गए तो मैं भी चेंज करती हूँ, सोती हूँ। और अथर भी ऑलरेडी मैंने चेंज करके उसको बेड पे लेटा दिया है, तो जाती हूँ क्योंकि मैं नहीं जाऊंगी तो वो भी नहीं सोएगा। तो चलो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड और मिलते हैं आप लोगों के साथ एक न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें। अंजलि नए हो मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाना। अंजलि ऑलरेडी जुड़े हुए हो मेरे साथ, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। सो टेक केयर, सी यू सून इन अ न्यू ब्लॉग। तब तक के लिए